तरफ एक अच्छी हिस्से में अपने आप को लेके आने की कोशिश थी और वो यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाए। वाइब की बात करें, स्पॉट करेंगे स्लाम इनके तरफ आता हुआ और अब एक फाइनल पारी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसी के साथ डाउन करते हो कि सोल मॉर्टल फिलहाल गिर के नॉक हुए थे जिसके कारण प्रॉब्लम हुआ एंड वाइब पर फिलहाल यहाँ पे डाउन एंड फिनिश। और फ्रंट साइड में अब बात की जाए, एक अच्छी ओपनिंग निकाल चुके थे लेकिन बैक यहाँ पे देख नहीं पाए एंड जब तक देखे बहुत ज्यादा लेट हो गया। डेंजर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग 14-16 एंड अब इनके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेवारी आ चुकी क्योंकि इनके डाउन साइड से 7 सीज के पूरे स्क्वाड यहाँ पे स्लैम करेंगे। डेंजर क्या प्लान है इनके पास? M249 है, 85 यहाँ पे एमोस देखने को मिल जाएंगे। रिलोडिंग करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि पूरी स्क्वाड के अगेंस्ट जाना मुश्किल रहेगा, लेकिन जंप लगा बैठे अग्रेसिव यहाँ पे प्रिंस को बात की जाए तो वहाँ पे डाउन किया जा चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे जो ओपनिंग चाह रहे थे डेंजर वो मिल चुका है, लेकिन इस ओपनिंग को अच्छे मार्जिन में कन्वर्ट करना वो क्या डेंजर यहाँ पे पॉसिबल कर पाएंगे? या फिर रैत की बात करें स्लैम कर रहे थे लेकिन दूसरे तरफ से उनको टेक डाउन किया जा चुका है। एंड वंस अगेन ग्रेनेड का पिन आउट है, थ्रो करेंगे किल को यहाँ पे, सॉरी फिनिश को यहाँ पे कंफर्म करना अब वो आई थिंक थोड़ा मुश्किल होता हुआ डेंजर के लिए। फाइनली यहाँ पे M249 का रिलोड आ जाएगा, ये अच्छी बात है क्योंकि एक अच्छी तैयारी के साथ आगे जाए ताकि आपको किसी भी बात का रिग्रेट ना हो कि फिलहाल मैं M249 रिलोड कर लेता, फिलहाल मैं अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर लेता, फिलहाल मैं थोड़ा सा रोक लेता, वो फिलहाल के चक्कर से बेटर है आप वो सब कर लो जो आपको आगे जाने के बाद पछतावा ना दे। फिलहाल यहाँ पे M249 के साथ स्प्रे करेंगे, नॉक करेंगे बिल्कुल सारे यहाँ पे थोड़े से डिसबैलेंस थे, बगी से एग्जिट करते लेकिन वो जो टाइम चाहिए था वो मिलेगा लेकिन कवर फायर इस लेवल।